हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज दैट कट और एक्साइज्ड लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन. यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, जिब्रोलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स एंड इथाइलिन्स. तो यहाँ पे ये चार हार्मोन्स है, इसमें से बताना है कि इसमें डिप करने की वजह से जो हमारी लीव्स होती है वो ग्रीन ग्रीन पड़ी रहती है. तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वहाँ पे यूज हुआ है फंक्शन ऑफ हार्मोन इन डिलेइंग, क्योंकि जो हमारा सेनेसेंस को अगर डिले करते हैं, इन डिले सेनेसेंस, अगर सेनेसेंस डिले होता है तो जो हमारे लीव्स हैं वो ग्रीन पड़ी रहेंगी. एंड रूटिंग, यहाँ रूटिंग की भी बात हो रही है. कौन सा हार्मोन है जो रूटिंग में इन्वॉल्व होता है या फिर सेनेसेंस में भी इन्वॉल्व होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ए की. ए में है हमारा जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन. जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पर ये कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं प्ले करता है ग्रीननेस में, जो ग्रीननेस है उसमें कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं प्ले करता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है. बी है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन क्या है, ये डिले करता है सेनेसेंस को. अब ये सेनेसेंस को डिले करेगा तो इसके वजह से जो हमारी लीव्स है वो ग्रीन पड़ी रहेगी और ये मेंटेन करके रखेगा ग्रीननेस को, मेंटेन ग्रीननेस ऑफ लीव्स. और ये क्या करेगा, ये सेल डिवीजन एंड ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो इस तरह से ये रूटिंग में भी हेल्प करता है. अब बात करें सी, ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन हमारा सबसे प्राइमरी इन्वॉल्व होता है रूटिंग में. रूटिंग तो करेगा लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है सेनेसेंस में, सेनेसेंस में कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है. अब डी की बात करें, डी है हमारा इथाइलिन. जो इथाइलिन है इसका रोल होता है सेनेसेंस को प्रमोट करना, तो ये तो ग्रीननेस कभी नहीं बना के रखेगा, ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग होता है. ये येलोइंग करता है और लीफ फॉल में हेल्प करता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो गया ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन्स. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.